ये भाई, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मेरे पापा ने मेरे को कहा था कमा के आओ या कुछ काम करो या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस करो, तो मैं फादर से जाओ कमा करके आओ। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज बिजनेस किया जाए और आज वो चैलेंज को पूरा किया जाए। बिकॉज ये चैलेंज दो दिन पहले मेरे को दिया गया था एंड दो दिन आप लोग जानते हो कि मेरे को अलग अलग काम करना पड़ा, ऐसे काम नहीं पार्टी करने की कोशिश थी वो भी हो नहीं पाई। हम जा रहे थे पार्क सर्कस, मालूम है पार्क सर्कस जा रहे थे। अब तो करते हैं ये चैलेंज स्टार्ट। और ये चैलेंज मेरे को ये करना है ना कि पहले खुद का एक ब्रांड मेरे को ना फ्लिपकार्ट से कनेक्ट करना है एंड उसके बाद मेरे को जाना है प्रोडक्ट लेने के लिए। एक ब्रांड पहले से मेरे पास है जिसका नाम है MB's, तो उसको पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे फ्लिपकार्ट से एंड उसके बाद मेरे को जाना है पार्क सर्कस प्रोडक्ट देखने के लिए। बिकॉज मैंने ना दो काम करने का सोचा है, फ्लिपकार्ट में कोई और काम रहेगा मेरा और मीशो में कोई और काम रहेगा मेरा। अरे तो अब तक के इस पे कव्वाली की धुन बना रहे थे, मजा आ रही था। मेरा मैन्युफैक्चरिंग हॉल, वैसे भी हम भी सैंपल ही देखने आए अभी। बिफोर स्टार्टिंग चैलेंज पहले कुछ अच्छे काम कर लेते हैं एंड इसीलिए मैं पहले जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने के लिए। जब तक हम जिंदा हैं, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले दे दीजिए, वक्त पर दे दीजिए। इसी तरीके से किसी को कोई काम करवा रहे हैं तो पूरा पूरा दीजिए, ना ज्यादा दीजिए ना कम दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उसको दिया जा सके ताकि वो अपने मजदूरी पर खुश हो सके, अपनी इज्जत पर खुश हो सके। क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज मेरा है, ठीक है, ऑरेंज मेरा है, ऑरेंज मेरा है। हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, भाई को भी नहीं दिया ना। ओए, आपको नहीं दिया ना, ये नहीं दिया ना, इधर फिर दौड़ रहा है, खाली दौड़ते रहता है नमाज में, बीच में दौड़ रहा था, खाली दौड़ रहा है। इतना दौड़ क्यों रहा है? इधर 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 सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, पहले इधर सुनो। इतना दौड़ क्यों रहा है? कहाँ है पापा के पास? पापा के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस नमाज हो चुकी है एंड अभी चलते हैं घर की तरफ, खाना वाना खा लेते हैं एंड उसके बाद चैलेंज वीडियो इंशाल्लाह आज बनाया है चाय का। गाइस तो आ चुके हैं दुकान, बाकी आज माशाल्लाह फहीम भी है, मोइन भाई और मोइन तीनों साथ में। च्युइंगम नहीं खाएंगे? चिलगम नहीं, च्युइंगम, च्युइंगम, च्युइंगम नहीं, च्युइंगम। हाँ तो मोइन भाई, फ्लिपकार्ट को इंशाल्लाह मैं बाद में कर दूंगा जो बोलने वाले, तुम MB's वगैरह करना है ना, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अभी चलते हैं मार्केट। अभी मार्केट जाना आपको? देखे 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 तो नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं डालना ना, हमको च्युइंगम नहीं खाना है, वो च्युइंगम खिलाना है, दानी बनना है। लो बाबू, चेक करना, चेक कर दो, चेक तो कर, चेक कर, चेक करना एक बार। लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा यार। अच्छा, तो पूरा निकल गया। आज तो कभी कस्टमर नहीं है तो मोइन भाई एकदम पूरा फ्री है, तो अभी हम जा रहे हैं मोइन भाई से फ्लिपकार्ट को कनेक्ट करवाने, MB's कनेक्ट करवाने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। तो मोइन भाई MB's कनेक्ट कर दीजिए, अब आधा काम तो लगभग होने वाला है। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, सर्टिफिकेट ना। और अभी मैंने मोविन भाई का लैपटॉप ऑन किया है बिकॉज मेरे को ट्रेडमार्क खोजना था, वो भी MB's का, जो कोई ब्रांड है मेरा। अरे तो अब तक के इस पे कव्वाली की धुन बना रहे थे, मजा आ रहा था। लिख के दिखाओ भाई, चलो चैलेंज वीडियो बन रहा है, मालूम है जो नाम लिख दिया ना उसको गिफ्ट मिलेगा। अरे लिख ना, जो नाम लिख दिया उसको गिफ्ट मिलेगा, चैलेंज वीडियो बन रहा है। हाँ पहले आदमी बोला ना भाई, नाम नहीं लिख पाओगे, बोला था ना। तो आज तो ब्रांड ना मेरा अपूर्ण जा चुका है फ्लिपकार्ट में, अब चलते हैं यहाँ से पार्क सर्कस अपना प्रोडक्ट देखने के लिए। तो गाइस चलते हैं अपना पार्क सर्कस जाके देख लेते हैं प्रोडक्ट। अब वो क्या प्रोडक्ट है वो वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। तो गाइस तो बस बैठा बैठा ना मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, अब सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके लिए ना जो सेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, पास में खोजो। ज़्यादा दूर रहने से क्या होता है ना, जाते जाते आपका जो एनर्जी है वो खत्म हो जाता है। रहने से होता है कि नहीं होता है? ज़्यादा दूर जाने से आपकी हालत ख़राब होता है कि नहीं होता है? नहीं, अभी अंकल का भी हालत ख़राब लग रहा है, वैसे ही मेरा भी हालत ख़राब है।
बहुत सो ऐसा आपको पता है कि लास्ट टाइम मेरा प्लान कैंसिल हो गया था बिकॉज मूवी में मेरे को फोन कर दिया था एंड मेरे को बस उतरना पड़ा। जैसा कि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अचानक से मोइन भाई ने मेरे को कॉल किया एंड मेरे से लोकेशन पूछा एंड मेरे को बस से भी उतरवा दिया एंड इसी वजह से मेरा पार्क सर्कस जाना हो गया था कैंसिल। एंड इसलिए ना मैं पहले पार्क सर्कस आ गया हूँ, अब मैं कॉल करने वाला हूँ उन भाई को जिससे मेरे को मिलना था प्रोडक्ट के लिए। तो मेरे को ना रोड पार करके जाना पड़ेगा बेनू कुकुर थाना, जिससे मेरे को मिलना है ना वो मेरे को बोले कि आओ बेनू कुकुर थाना के पास, शायद नाम में गलती हो सकता है। तो मैं पहले जाऊंगा थाने के पास, उनसे मिलूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा प्रोडक्ट देखने के लिए। आज का चैलेंज तो है कि मेरे को ना प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट समझना है, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करना है। देखो मेरा बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन, बट मेरे को ना कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक। तो आ चुके हैं बेनू कुकुर पुलिस स्टेशन के पास, क्योंकि बिजनेस करना तो आसान होता है पर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको अपने ब्रांडिंग पे और साथ ही प्राइसिंग और क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। सो गाइस, तो मैं अपने स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। तो कोई इन्हीं भाई से मिलना था मेरे को, उस दिन ही भाई को मैंने जुबान दिया था वो कैंसिल हो गया था ना भाई। का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है ना भाई, अब मैन्युफैक्चरिंग भी होता है ना, जाके देख लेते प्रोडक्ट। भैया का यहाँ पे माल भी नहीं है, भैया का माल तो मेन मटियापुर में भी है ना भैया। ये है पूरा इनका मैन्युफैक्चरिंग हॉल। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग हॉल, वैसे भी हम भी सैंपल ही देखने आए अभी। कितना दिन से भैया वो परेशान कर रहे थे भैया, लास्ट में गुस्सा होकर बोल ले आओगे कि नहीं आओगे। देख लीजिए, देखो ये रहा सब, क्वालिटी भी अच्छा है जो सब सैंपल हम लोग देख रहे हैं फिलहाल। ये थ्री पीस में आता है क्या? ये टू पीस, हाँ थ्री पीस। इसका क्या प्राइस है? इसका साइज के ऊपर, साइज के ऊपर प्राइस है। हाँ। इसका जीरो पर। तो जब तक मैं उनसे प्राइस की बात कर रहा हूँ तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी होलसेल चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में डीएम करके या फिर कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इसका और भी कलर है, ठीक है ये वाला सही लग रहा है हमको। ये रहा बाबा सूट, प्राइस सेम है क्या? अलग है और सेम प्राइस है, मॉडल है दूसरा, प्राइस बस खाली मॉडल अलग है। सही है जो क्वालिटी वही है, ठीक है कपड़ा, कपड़ा सही है। देखो खोल रहे हो, देख लीजिए इसको बोलते हैं थ्री पीस जैकेट, थ्री पीस जैकेट ना, हाँ इसको कहते हैं जैकेट टाइप का, ये होता है अंदर में है गंजी। हाँ ये कपड़ा अच्छा है, अंदर में है टी शर्ट और ये है, इसको क्या बोलते हैं आपको, वॉश कपड़ा है, वॉश कपड़ा है ना, वॉश है। इसका क्या प्राइस है थ्री पीस का? देखो ये भी रहा थ्री पीस, बच्चों का कपड़ा सही रहता है। गर्ल्स लोग का, बच्ची लोग का, ये कितना साल का बच्चा का होगा? दो साल शायद लग तो रहा है, दो तीन साल तक। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरा चैलेंज था बिजनेस का कि मेरे को जाके प्रोडक्ट देखना है, मैंने देख लिया, अब बस इसको कंफर्म करना है और प्राइसिंग वाइजिंग मैंने देख लिया, समझ लिया कि हाँ ठीक ठाक प्राइसिंग था इनका और कपड़ा का भी क्वालिटी ठीक था बच्चों के लिए खासकर, तो अब बस ना इसको बिजनेस में उतारना है। सो गाइस, तो मैंने प्रोडक्ट देख लिया, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई बिजनेस के लिए तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन प्रोडक्ट खोजना, नंबर टू है आपका जब प्रोडक्ट मिल जाए उसका प्राइसिंग एंड उसका क्वालिटी, नंबर थ्री होता है कहाँ बेचना है आपको, लाइक मीशो में बेचना है, फ्लिपकार्ट में या ऑफलाइन बेचना है तो कोई भी रिटेलर शॉप में बेचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई बिजनेस के लिए। बाकी मेरा चैलेंज था आज का कि मैं बिजनेस करके दिखाऊं। देखो मैंने प्रोडक्ट देख लिया है, बिजनेस मेरा चल रहा है ऑनलाइन, मैं चाहूँ तो इनसे प्रोडक्ट लेकर के उसको अपलोड कर दूँ और बिजनेस करना शुरू करूँ। तो आपको करना है क्या है, पहले जा करके इंडिया मार्ट में चेक करो कहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है एंड उसके बाद उसे कॉन्टैक्ट करो, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पास में हो आपके जिससे आपको जाने में आसानी पड़े एंड उसका क्वालिटी देखो, प्राइसिंग देखो, उसके बाद उसको अपलोड कर दो अपने ऑनलाइन अगर करना है तो मीशो या फ्लिपकार्ट में, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। और आपने देखा होगा जैसे मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था उससे मैंने सबसे पहले मोइन भाई के पास जाकर के मैंने अपने ब्रांड को फ्लिपकार्ट से कनेक्ट किया, बिकॉज ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस के लिए खासकर फ्लिपकार्ट में। तो मैंने ब्रांड को कनेक्ट क्यों किया था, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स से करना था, इसलिए मैंने एमबीस को कनेक्ट किया, बिकॉज हम लोगों ने पहले से रजिस्टर करवा के रखा था एमबीस को। तो ये होता है बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। मेरा हावड़ा का बस और मेरा चैलेंज तो लगभग हो ही गया है। तो गाइस आ चुके हैं बस में,
जैसा कि मैंने प्रोडक्ट देख लिया, बिजनेस का मेरा वीडियो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। वैसे मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, बट लगभग बिजनेस का तो वीडियो हो ही गया। घर चलते हैं, देखते हैं क्या फ्लिपकार्ट का जो मैंने दिया था ब्रांड को अप्रूवल के लिए, वो हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही पुराना गाना सुनते हुए जा रहे हैं। छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए। और यहाँ हो गया बस खाली। और बस सफर करना बहुत भारी पड़ जाता है मेरे को। एक घंटा लगा जाने में, एक घंटा लगा आने में। वहाँ तो आधा घंटा में मेरा काम हो गया था, बस आने जाने में ही टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मार्केट से आ गए माशाल्लाह। सो गाइस, तो आ चुके हैं दुकान। ये रहा मोबिन भाई का काम, जो मोबिन भाई अभी कर रहे हैं। बिजनेस से रिलेटेड ही अभी है, तो इसलिए भी इसको मैं चैलेंज में ले रहा हूँ। होल सेलिंग LCD का, होल सेलिंग सब LCD मिल जाएगा। दिस इज बिजनेस बड़ी, इसलिए मैंने पैकिंग का भी आज लिया है। आज बिजनेस से रिलेटेड था तो बिजनेस पर कम्पीट ही करते हैं। और यहाँ देखो मोहिन भाई को अचानक से मार्केट जाने की जरूरत पड़ गया ना अंकल। यो हेलो गाइस, तो देखो अभी मैं जा रहा हूँ फैंसी मार्केट। आज पूरा दिन ना मेरा सच में बिजनेस से रिलेटेड ही रहा है। पहले फ्लिपकार्ट, उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट देखने जाना पड़ा पार्क सर्कस, एंड अभी मोबिन भाई के साथ मैं जा रहा हूँ फैंसी मार्केट। और ये भी एक बिजनेस का ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो मेरा दुकान है उसी के रिलेटेड मैं जा रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस ही रिलेटेड हुआ। तो पूरा दिन चैलेंज था मेरा 24 घंटा बिजनेस करने का, वो तो चल रहा है। बिकॉज दुकान तो मोबिन भाई संभाल रहे हैं और बाकी जो काम है वो मेरे को करना पड़ रहा है। हर काम तो मोबिन भाई वैसे करते हैं दुकान से रिलेटेड, ऐसे नॉर्मली छोटा छोटा जो काम है मेरा जो अलग से मैं करने मांग रहा हूँ उसके लिए मेरे को थोड़ा दौड़ना पड़ रहा है। तो मेरा मोबाइल कभी भी ऑफ हो सकता है, बिकॉज सिर्फ 2% चार्ज है। मोहित भाई का मोबाइल मेरे पास नहीं है, बिकॉज मोहित भाई लेके गए हुए सामान लाने के लिए। और मैं अभी फैंसी मार्केट में हूँ, 20 रुपये कुछ खा लेते हैं, बिकॉज मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ। नॉर्मली नाश्ता किया था मैं नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। Hours later. तो मैं घर आ चुका हूँ, आज मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, बिकॉज डबल मेरे को ना यहाँ से कोलकाता जाना पड़ा। पहले तो मेरे को पार्क सर्कस जाना पड़ा, एंड उसके बाद मोबिन भाई के साथ फैंसी मार्केट जाना पड़ा। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस किस तरीके से करना है। मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है कि लाइक प्रोडक्ट खोजो, फिर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, मैनुफैक्चर या होलसेलर खोजो, एंड उसके बाद कहाँ बेचना है आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो सिलेक्ट करो। बाकी बिजनेस करना बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा बहुत दौड़ना पड़ेगा। मैं तो बस नॉर्मली अभी, मतलब समझो 1% भी मैंने मेहनत नहीं किया बिजनेस के हिसाब से ना, ये 1% ही मेहनत नहीं है। तो आप लोग ही मेहनत करो और कुछ नहीं, बाकी देख लेते कि फ्लिपकार्ट का मैंने सुबह MB से कनेक्ट मैंने किया था वो ब्रांड अप्रूवल के लिए, वो हुआ या नहीं हुआ। लगभग 24 घंटा में शायद मेरे को लगता हो जाता है, 24 घंटा भी नहीं हुआ, लगभग 5 घंटा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। और ये मेरा ये यूट्यूब का डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो खोल लेते हैं। देखो ये रहा मीशो सेलर, तो फ्लिपकार्ट सेलर खोलते हैं। तो ये देखो, योर रिक्वेस्ट इन सेलिंग MB's ब्रांड हैज बीन सक्सेसफुली है, बट अब तक जो है ना वो अंडर में गया हुआ, मतलब अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये देखो ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, जा यार कुछ तो सही नहीं कर रहा। ये रहा MB's व्यू डिटेल्स, ये रहा। तो गाइस, तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं इसे प्रोडक्ट अपलोड करना शुरू कर दूंगा, एंड मेरा फ्लिपकार्ट पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट है वो बिकना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मेरा दुकान भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो मेरे को ये आसान पड़ेगा और इसका होलसेल भी सामने है, तो मैं ये कर सकता हूँ। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, आई विल टेक केयर, लव यू, और कमेंट करके जाना, बिकॉज नेक्स्ट चैलेंज में अगर आपको हिस्सा लेना है तो कमेंट जरूरी है।